हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली आप सभी लोग कैसे मना रहे हो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस साल हमारी होली जो है, मतलब होली तो नहीं खेली है, पिछले साल अगर आपने वीडियो देखा है तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है होली के त्यौहार पर। मतलब 2 साल वहाँ पर थे ना, तो बहुत ज़्यादा होली हमने खेला है, स्पेशली मैंने होली खेला है। और यहाँ पे पूरा नया नया है और कोई भी हम जैसे औरतें जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे ही होली खेल रहे हैं। और चिन्नू गया है, तो चिन्नू भी मतलब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स नहीं है ना, तो चिन्नू जहाँ पे हम पहले रहते थे, मतलब स्कूल भी वहाँ पास ही है ना, तो उसके फ्रेंड्स भी है, तो बस वहाँ ही गया है खेलने के लिए। और हस्बैंड भी बाहर गए हैं। और सानवी तो बस कभी होली नहीं खेलती है, उसे घर में रहना ही पसंद है। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं। नाश्ते में इडली बनाया था, तो सभी लोग इडली खा लिए हैं और अभी खाना बनाना है और होली स्पेशल कुछ मिठाई बनाना है। तो वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो आप सभी ने क्या क्या बनाया है होली स्पेशल, मुझे बताइएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, चिन्नू और चिन्नू के पापा दोनों होली खेल के आए हैं। और चिन्नू सुबह के शायद 8:30 बजे तक गया था और अभी लौटा है, तो चिन्नू के पापा ही इसे लेके आए हैं। तो यहाँ पे ना इसके फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, तो इसीलिए अपने स्कूल के पास गया है, तो इसके सारे फ्रेंड्स जो है वहाँ पर ही है, तो इसीलिए वहाँ जाके फिर होली खेल के आ गया है। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया है, तब तक इन्हें ना अंदर ना आने के लिए कहा है, तो इसीलिए ये दोनों बाहर ही खड़े हुए हैं। तो अभी ना मेरे किचन के लिए एक न्यू प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, तो ये है न्यू स्टेनलेस स्टील कुकवेयर जो कि है इंडस वैली ब्रांड से। आपको तो पता है इंडस वैली जो है बहुत ही फेमस है कास्ट आयरन बर्तनों के लिए, बहुत अच्छे रिव्यू है इनके। तो रिसेंटली इंडस वैली ने अपने स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर भी लॉन्च किए हैं। स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर कहना बहुत हल्का होगा, एक्चुअली इन्होंने लॉन्च किया है हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर, जिनमें से एक है ये फ्राई पैन। और इनकी पैकेजिंग देखने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। तो देखो कितने अच्छे से पैकेजिंग किया गया है। और मुझे ना हेल्दी खाना बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही ज़रूरत थी। तो स्टील का जो नेचर होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और हमारे खाने के 85% न्यूट्रिएंट्स जो है इंटैक्ट रहते हैं। स्टील कुकवेयर यूज़ करने के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इन बर्तनों की ये खास बात है कि हाई क्वालिटी के स्टील से बने हुए हैं। ये कुकवेयर हेवी है, ड्यूरेबल है, सालों साल चलने वाले हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये बर्तन ट्राईप्लाई है, तो इनके अंदर 3 लेयर यूज़ की गई है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन होता है। ये बर्तन 100% फूड सेफ मटेरियल से बने हुए हैं और इनमें किसी भी तरीके का केमिकल कोटिंग नहीं की गई है। अगर आप भी हेल्दी कुकिंग करना चाहते हो तो आप इनके इंडस वैली के वेबसाइट पर जाकर वहाँ चेक कर सकते हो, प्राइस और कोई डिस्काउंट होगा तो भी दिख जाएगा। बाकी मेरे तरफ से एक डिस्काउंट यानी कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो आज होली के दिन और इस नए बर्तन में मुझे कुछ मीठा बनाना है, लेकिन जो भी मैं बनाऊंगी शाम को ही बनाऊंगी। फिलहाल देखो इस फ्राई पैन में मैंने घी डाला है, फिर दूध डाला है, दूध एक बार बॉईल होने लगे, फिर इसमें मिल्क पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। तो मिल्क पाउडर को इसी तरह से हमें मिक्स करते रहना चाहिए, तो ये बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं आटा को गूंद के रख देती हूँ। तो देखो इस तरह से होने के बाद मैं गैस को ऑफ करती हूँ, तो बीच में ना इसे हमें चलाते ही रहना चाहिए। तो बस अभी मीठा बनाना है, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। तो इसे ना हमारे बच्चे पूरी के साथ और रोटी के साथ, ब्रेड के साथ खा लेते हैं, तो जल्दी जल्दी मुझे कुछ बनाना था, तो इसीलिए मैंने वो बनाया है। और अभी देखो मैंने पनीर लिया है, तो आज कुछ स्पेशल खाना मुझे बनाना था, तो इसीलिए पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो पनीर ना हमारे घर में ज़्यादातर बनती नहीं है, क्योंकि चिन्नू के पापा को खास पसंद नहीं है, बाकी बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी देखो पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, फिर बाद में एक बाउल में यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक भी डाल देती हूँ। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फिर बाद में ना पनीर को भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पनीर की सब्जी जो है बहुत ही तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज कुछ खास मुझे बनाना था तो इसीलिए ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। और आप सब कैसे बनाते हो ज़रूर मुझे बताना। तो अभी देखो पैन में मैं तेल डाल देती हूँ और तेल गर्म होने के बाद पनीर को भी डाल देते हैं, फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए ही इसे फ्राई कर देती हूँ। और अभी देखो पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे मैं निकालती हूँ। और इसे फ्राई पैन में बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप भी कह रहे थे ना कि दीदी एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप खाना मत बनाओ करके, तो मेरे किचन में बस आज ये आया है और आगे आगे इसी तरह के स्टेनलेस स्टील के कुछ बर्तन मैं लेने वाली हूँ। तो हमारे हेल्थ के आगे कुछ नहीं है, तो इसीलिए मतलब धीरे धीरे करके ही अपने किचन में मैं एक एक करके इस तरह के प्रोडक्ट जो है मैं लेने वाली हूँ। तो अभी देखो उसी पैन में मैंने प्याज डाला है, फिर प्याज को ना थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेते हैं, फिर बाद में उसमें टमाटर भी डाल देती हूँ। टमाटर को भी अच्छे से भूनने के बाद गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर मिक्सी जार में पीस लेते हैं। फिर बाद में ना फ्राई पैन में और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, फिर तेजपत्ता लवंग इलायची जैसे खड़े मसाले होते हैं वो डाल देती हूँ, फिर बाद में अभी हमने जो पीसा है ना वो भी डाल देती हूँ। इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं, फिर बाद में अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ, इसे कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लेते हैं। फिर बाद में हल्दी भी डाल देती हूँ और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाला है। फिर इसे चलाते हैं, फिर बाद में 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ, फिर स्वाद के अनुसार नमक। तो इससे पहले हमने पनीर को फ्राई करते टाइम पे भी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक डाला था ना, तो वो सब देख के फिर से हम डाल देते हैं। और अभी ना दही भी डाल देती हूँ, तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन रख के हम इसे छोड़ देते हैं। फिर बाद में इसमें ना पानी डाल के, पानी डालने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए ढक्कन रख के इसे हम रहने देते हैं। फिर बाद में इसमें पनीर डाल देती हूँ, फिर पनीर डालने का जो क्लिप है ना वो मिस हो गया है। पनीर डालने के बाद फिर से 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकाते हैं, फिर लास्ट में ना इसमें कसूरी मेथी भी डाल दिया है, तो बहुत कम मेरे पास बचा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया। फिर बाद में हरी धनिया भी डाल देती हूँ। तो ये सब डालने के बाद गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो बस पनीर की सब्जी तैयार है। अभी ना मैं राइस में बघारा राइस बना रही हूँ, तो हमारे घर में जब भी कुछ खास बनाने का होता है तो मैं बघारा राइस ही बनाती हूँ। तो इसकी रेसिपी बहुत बार मैंने आपसे शेयर किया था, तो आज मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे राइस बनता रहेगा और एक तरफ ना मैं पूरी भी बना रही हूँ। तो सैंडविच जो है पूरी तल रही है और यहाँ पे मैं पूरी को फ्राई कर रही हूँ। तो सैंडविच जो है मतलब ठीक से बेल नहीं पा रही है पूरी को, लेकिन जैसे तैसे मुझे अभी बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और खाना खाने का टाइम भी हो रहा है। फिर लास्ट के जो ये पूरी है ना मैंने तला है, तो अभी ये वाले पूरी जो है अच्छे बन रहे थे, लेकिन सैंडविच जो बनाए थे ना वो वाले मतलब फुल ही नहीं रहे थे। तो सैंडविच अभी अभी बनाना सीख रही है ना, तो बस ऐसे ही बना पा रही थी। तो देखो कितनी बुरी हालत हो गई है, खाना बनाते बनाते इतने पसीना छूट रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। अभी खाना बनाना तो हो गया है, मैंने चावल में वही हमारा बघारा राइस हम जो बनाते हैं अक्सर वो बनाया है, और पनीर की सब्जी और अभी पूरी भी बन गए हैं। तो बस अभी खाने का ही बाकी है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो इसीलिए थोड़ी देर मैंने सभी को मतलब लिविंग रूम में लेके रखा है, अभी हम खाएंगे। तो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा निकला है। तो बस जो भी बनाया था ना उन सभी को लाके यहाँ पे रख दिया है कुछ देर के लिए, फिर बाद में ना सभी को मैं परोस के दे देती हूँ। और आज ना चिन्नू को बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी है क्योंकि उसके मनपसंद का पनीर की सब्जी बना है ना, तो चिन्नू को जब भी उसके मनपसंद का कुछ भी बनता है तो भूख ना जल्दी लगने लगता है, तो इसीलिए चिन्नू पहले ही बैठा हुआ था। तो यहाँ पे देखो हम सभी ने खाना खा लिया है और अभी ना शाम के शायद 4:30 या 5 बज रहा होगा। पहले तो मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ। और आज ना घर में बहुत ही सारे चीज़ें जो है फैले हुए हैं, मतलब बच्चे घर में होते हैं तो ऐसा ही होता है।
और आज दोपहर के टाइम पे ना चिन्नू के पापा ने प्याज लाए थे, तो ये 5 किलो के प्याज है। तो बस यहाँ पे मैं प्याज को डाल के रख देती हूँ। तो मैंने इनसे कहा है कि 1 या 2 किलो प्याज लाओ करके, लेकिन देखो इन्होंने 5 किलो एक साथ ही लाए हैं। तो क्या हो रहा है कि प्याज जो है जल्दी ख़राब हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कम लाने के लिए कहा है। और अभी ना झाड़ू भी मैं लगा देती हूँ, तो ये शाम का झाड़ू है और घर में सारे चीज़ें फैले हुए थे, तो सभी को समेटने के बाद अभी मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। और आज ना बच्चे भी घर में थे, तो सारे कमरे में कचरा जो है फैला हुआ रखे थे, तो सभी को समेटने के बाद मैं अभी झाड़ू कर रही हूँ। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उतना ज़्यादा कचरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी शाम का झाड़ू जो है वो करना ही पड़ता है। और अभी देखो इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो सुबह के नाश्ते के भी बर्तन थे और दोपहर के खाने के भी, तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। रखने के लिए भी जगह नहीं था, तो यहाँ पे मैं बर्तन को रख रही हूँ, फिर सूखने के बाद फिर अच्छे से शेल्फ़ में मैं लगा देती हूँ। और अभी देखो कुछ कपड़े भी पानी से निकालने के थे, तो इन कपड़ों को ना मैंने सुबह में ही मशीन में डाला था, लेकिन फिर बाद में इतना ज़्यादा धूप निकला है, आगे का काम जो है वो मैं नहीं कर पाई हूँ। और आपके भी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ग्रीन वाला नेट जो है वो डालो करके, तो सही कहा है आपने, मैंने इनसे कहा है लाने के लिए, लेकिन देखेंगे कि वो कब लाते हैं, क्योंकि एक बात बताने से ना वो करते नहीं है, उनको टाइम लगता है, फिर देखेंगे वो कब ला के डालते हैं। और यहाँ पे देखो चिन्नू कुछ पढ़ाई कर रहा है और मैं कपड़े को सुखा रही हूँ, फिर बीच में पता नहीं चिन्नू को कुछ लिखने का था, तो बस मुझे आके पूछता है कि वो कैसे लिखते हैं। तो चिन्नू ना अभी मतलब पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, उसे बहुत सारे छोटे मोटे डॉट्स आते हैं, तो मैं बताती हूँ। तो बस ऐसे ही कभी कभी इसका मन करता है तो ऐसे ही पढ़ाई करने लगता है, और कभी कभी ना बिल्कुल भी कहने पर भी पढ़ाई नहीं करता है। और यहाँ पे शायद चिन्नू के पापा कुछ निकाल रहे थे, और उसमें ना मुझे भी कुछ ज़रूरत के चीज़ें हैं, तो मैं वही कह रही थी निकालने के लिए, और चिन्नू के भी कुछ खेलने के थे तो मैंने ऊपर रख दिए थे, लेकिन अभी चिन्नू भी निकाल के फिर खेलने लगा है। और यहाँ पे देखो मेरा ट्राइपॉड जो है मतलब काम नहीं कर रहा है, तो इसका ये हुआ है कि ऊपर नीचे करने का जो होता है ना वो लूज़ हो गया है, तो इसीलिए अभी चिन्नू के पापा इसे रिपेयर करने में लगे हैं। और मैं कुछ लहसुन के छिलके निकालने के लिए फिर बैठी हुई हूँ, और पता है हमारे घर में जो भी नया वाला आता है ना, मतलब मैंने सेल्फी स्टिक लिया है ना नया वाला, इसीलिए शायद पुराना वाला ख़राब होने लगा है। और ऐसे ही देखो बैठे बैठे अंधेरा भी होने लगा है, और चिन्नू के पापा वाटर मेलन कट कर ही रहे थे, तो उनको फ़ोन आया है, तो बस वो बाहर चले जाते हैं, फिर इसे ना मतलब चिन्नू के पापा ही अच्छे से काट के दे देते हैं, मुझे मतलब करने में ना थोड़ा मेहनत लगता है, फिर बाद में बाकी का जो वाटर मेलन है मैं ही काट के बच्चों को दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा होली जो है इस तरह से हमने मनाया है, इस साल खास मुझे नहीं लगा है, क्योंकि पिछले साल हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से होली मनाया है, तो पिछले साल के होली की तुलना में ना इस साल की होली जो है बहुत ही फीकी पड़ गई है। और मैंने शाम को जो मीठा बनाने का मन था वो भी मैं नहीं बना पाई हूँ। तो फ्रेंड्स अगर पिछले साल का आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो बस अभी इस व्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में कोई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे से व्लॉग के साथ।